थोड़ा सा फिर से वही दिक्कत होगी, टो करेंगे इस गाड़ी से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही फन और मजेदार होने वाली है। तकरीबन सभी ऑफ रोड गाड़ियां यहां पे लगी हुई हैं। यहां पे आपको दिख रही है महिंद्रा थार सिग्नेचर एडिशन, नए वाली थार मॉडिफाइड जिप्सी, यहां पे भी आपको थार दिख रही है। सामने एक थार है, एक वहां पे है और एक उसके पीछे है। तो फिलहाल ये देखना है कि मैं कौन सी गाड़ी में जाने वाला हूं। काफी ज्यादा एक्साइटेड है, सो अभी थोड़ी बहुत ब्रीफिंग होगी। हम लोग जाने वाले हैं फिलहाल इस गाड़ी में, और ये रहे शोएब भैया। लेके चलोगे हमें? नहीं पक्का? क्या जैकेट वगैरह आपने पहले ही खोल दिए? गर्मी बड़ी है क्या? तो आज हम बैठे हुए हैं किसमें? इंडिया की मोस्ट लग्जरियस थार में। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस पे भी एक रिव्यू बनाया जाए इस थार पे, तो कमेंट कर देना। बाकी आज हमारे साथ हैं अभी भैया और अफ्ताब भाई भी हैं, स्क्रीन और, भी है। और मैं तो यहाँ पे हूँ ही, और यहाँ पे स्क्रीन भी है। ओहो, फिलहाल हम इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। एग्जैक्ट नाम नहीं पता है मुझे, बजालता से होते हुए यहाँ आप पहुंचोगे। बाकी यहाँ के सीन्स आप देख सकते हो, कितना सुंदर व्यू है यार। पानी बह रहा है, वहाँ रही हमारी गाड़ियाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 छः थार और एक जिप्सी। काफ़ी ज़्यादा फन होने वाला है। पीछे डिक्की में बैठना पड़ेगा? डिक्की में तो ओपन है ना, पूरा ओपन वाला सही रहेगा उस पे। देख लो अगर ब्लॉग करना, अगर बढ़िया वाली क्वालिटी का ब्लॉग लेना है तो जाओ उसमें। फिलहाल सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ब्लॉग के चक्कर में मैं बैठ गया हूँ गाड़ी के पीछे, और ये रहे हमारे बंदे, और इन्होंने मुझे चिढ़ाया, कहा कि यहाँ बैठ जा। तो अब ये इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है कि यहाँ गिरने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। और हमने पहनी है वाइट कलर की शर्ट, और आज उसकी जो हालत होने वाली है ना भैया। या बेबी एक बात बताओ मुझे, आपको ये पता था ना कि वहाँ बैठ के कितनी बुरी हालत होनी है मेरी? भाई साहब मेरे को पता, तो आपके लिए स्पेशल मैं नहीं बैठूंगा उधर, मैं नहीं बैठूंगा। जैकेट डाल ले भाई, नहीं चक्कर पता क्या? देखो शोएब भाई और अभी भाई, इन्होंने मुझे बोला कि वहाँ बैठ के जो वीडियो बननी है ना भाई साहब, बस बचाऊं पता नहीं कैसे। एक्सपीरियंस नहीं, रोड का पूरा एक्सपीरियंस लेना, तो जिप्सी के पीछे बैठो एक बार भाई। यहाँ बैठ कर आया हूँ और बस बच गया हूँ, अब नहीं बैठूंगा। देखो जैकेट जैकेट और ले आया। यहाँ थोड़ा सा सीन हो गया, ये गाड़ी है जो फंस चुकी है। कई बारी गाड़ी इजली निकल जाती है, बट कई बारी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है। तो फिलहाल होने वाली है रिकवरी। ये अभी हमें बताएंगे टिप्स ऑफ रोड की। अभी ये गाड़ी है ना, हाँ जी, ये यहीं रहेगी आज, ये यहीं रहेगी। और मैंने आपको कहते हुए सुना कि हो गया ऑफ रोड आज का, आज का ऑफ रोड खत्म है, आज का ऑफ रोड खत्म है, ये गाड़ी अब यहीं रहेगी। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलो, हम कहीं नहीं जा सकते। मैं बहुत लंबा ब्लॉग सोच के आया हूँ। तो आप लंबा इधर ही बनाओ, हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं। आप जितना मर्जी ब्लॉग बनाओ, हम जा कहीं नहीं रहे हैं, हम 8 बजे तक यहीं पे हैं। जा भी नहीं सकते हैं। अच्छा, नहीं जा भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। देखो उस प्लेस पे हमने बॉनफायर करके बारबेक्यू हमारा वहाँ पे ही लगेगा, वो फोकस करो आराम से। और यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। आई बिलीव कि निकल जाएगी जल्दी, और निकल जानी चाहिए यार, ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो फिलहाल होने वाली है रिकवरी, दूर जाना पड़ेगा। हाँ जी भैया, ये भैया ने पहले ही बोल दिया था। नहीं आप भी अग्री, आप भी अग्री कर रहे थे वैसे। मैंने आपको बोला था, बिल्कुल नहीं निकल जाएगा, हम पहले ही बोला था। अच्छा निकल गया? यस
ऐसे क्या सोच के लाई थी आपने यहाँ से? नो कमेंट्स यार, आदत है फसाने की। मैं गाड़ी शिफ्ट कर रहा हूँ और फिलहाल इसमें बैठेंगे। तो फिलहाल हम आ चुके हैं हेमंत भैया की गाड़ी में और आशीष भैया भी आ चुके हैं। तो जो मेरी नेक्स्ट राइड होने वाली है ना हिमालयन पे, वो आशीष भैया के साथ ही होने वाली है। हाँ जी बिल्कुल, इकट्ठे करेंगे राइड हम। कुछ नहीं तो यहाँ के व्यू देख लो यार एक बारी। ऑफ रोड तो ऑफ रोड ही है बट जो सीन था ना। तो भाई ये खोलना सबसे मुश्किल काम है और इसे बंद करना उससे भी ज्यादा। आगे से ये भैंसें आ रही हैं तो अगर यहाँ पे स्ट्रेच पे गाड़ी फंसती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। फिलहाल मैंने अपने जूते उतार दिए। भाई आज मेरा सही एडवेंचर हो रहा है सच बताऊँ ना। तो ये दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे अगर गाड़ी फंस गई तो यहाँ पे आप रिकवरी नहीं डाल सकते क्योंकि ना गाड़ी आगे लगेगी ना पीछे। फिलहाल पूरा रास्ता क्लियर होने का वेट करेंगे। आपको दिख रहा है मैं यहाँ बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ और यहाँ सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जब गाड़ियाँ आएंगी ना तो मेरा गीला होने का यहाँ पे पूरा चांस है। ओहो, ये तो भाई गीला होने का पूरा चांस है यहाँ पे और ये हम गीले और ये हम गीले होते हुए और ये इस तरह से पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। भाई यहाँ देखो, ये देखो भाई, ये देखो अभी चार गाड़ियाँ और आनी है और टू मच फन होने वाला है। अभी कितने किलोमीटर का और स्ट्रेच है? अभी 6-9 किलोमीटर का। अभी 9 किलोमीटर का है। हमने कवर कितना कर लिया? 7 किलोमीटर के आसपास का। इतनी खूबसूरत जगह हमारे जम्मू में है और हम लोग ना एडवेंचर के लिए बाहर जा रहे हैं हमेशा। तो फिलहाल हो चुकी है एक छोटी सी गड़बड़, मैं अपने गोप्रो की एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लाया और ये वाली बैटरी ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुकी है। बाकी यहाँ पे हमें मिल गए हैं बानू भैया और बानू भैया ने मुझे यहीं पे बताया कि उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया है। देखोगे आज वाली वीडियो नहीं? बहुत अच्छा काम कर रहा है। और बानू भैया की गाड़ी है वो वाली जिप्सी। थैंक यू। ये उनका वो लगा था नीचे वाला फुटस्टेप पीछे गाड़ी का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या सीन हो गया भैया? लगी क्या? मिसिंग है नीचे। हैं? मिसिंग है नीचे। अच्छा ये देख सकते हो यहाँ पे ये लगी है। सीधा 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 जाने दो। चलो भाई जी क्या कर दिया आपने? अभी
तो हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा कुछ तो दिया हमें कुदरत के नियम है। अच्छा कुदरत के नियम है, हमें एडवेंचर चाहिए और हमें वो मिल रहा है। अभी हम शुरू से बात करेंगे। कोई इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोलना चाहते हैं? देखो ये जिप्सी यहाँ फंस गई है। अच्छा अब बस उसने इतनी, यार आप यहाँ फोकस करो, इतने बड़े बड़े डोले किसके लिए बनाए हैं? अच्छा किसके लिए बनाए हैं बताओ, आप बताओ ना किसके लिए बनाए हैं? जिप्सी टो करके लेके जानी है हमने, बाकी सारी गाड़ियां हैं जो ये वाला जो स्ट्रेच करके वो आगे निकल चुके हैं।